वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी सुणांगे साखी सिख दी शंका अते गुरु कलगीधर दा जवाब। एक दिन एक सिख ने सतगुरु कलगीधर जी दे चरणा विच अपना शंका दूर करन वास्ते बेनती कर पुछया, पातशाह आप जी दे दर्शन भी सारे सिख करदे हन, बचन भी सारे सुनदे हन, आप नूं मत्था भी सारे टेकदे हन, फिर इन्ना फर्क क्यों? कोई ईरखा द्वैख तो निर्लेप संबिरती वाला बन जाता है। कईयां दा ईरखा ते वैर विरोध पिछा नहीं छड़दे, ते कईयां उपर तुहाडे दर्शन करके बचन सुन के कोई असर नहीं हुंदा, कारण की है? कलगीधर जी ने सिख नूं हुकम कीता, गुरसिखा आ गड़बा पिया है, इस नूं पाणी नाल भर के लिया। गुरसिख ने पाणी दा गड़बा भर लिया। सतगुरु जी ने अगला हुक्म सिख नूं दिता कि एक पत्थर की गीटी ते एक मिट्टी की टीम लिया। गुरसिख ने पत्थर की गीटी ते मिट्टी की टीम सतगुरु जी दे लिया हाजिर की। सतगुरु जी ने अपने पास पए पतासियां विचों एक पतासा भी गुरसिख नूं दिता ते हुक्म कीता, ये पतासा मिट्टी की टीम ते पत्थर की गीटी पानी दे गड़वे विच पा दे। गुरसिख ने बचन मन के तिन्ने चीज़ां पानी दे गड़वे विच पा दित्तियां। थोड़ा समा बचन बिलास करन उपरंत सतगुरां उसे गुरसिख नूं हुक्म कीता कि इस गड़वे विचों पतासा टीम ते गिट्टी कढ़े। पतासा जल दा रूप बन गया, टीम गारा बन गई, पत्थर दी गीटी उवें दी उवें कोरी निकली। सतगुरु जी ने बचन किया, भाई गुरसिखो सच्चे सिख प्रेम नाल गुरु की बाणी पढ़, नाम जप के निष्काम सेवा भगती करके गुरु नूं परमेश्वर दा रूप मन, गुरु बचना दी कमाई कर, आपा भाव गुआ के परमात्मा दा रूप बन जांदे हन। जिवें पतासा पाणी विच पै के अपना आकार ते होंद खत्म करके पाणी दा रूप बन गया, पाणी ते पतासा एक रूप हो गए हन। दूसरे ओ सिख हन जो निष्कामता नाल नहीं बल्कि मन विच कोई कामना रख के बाणी भी पढ़दे ते प्रेम नाल भी नाम जपदे हन, प्यार नाल सेवा भी करदे ते गुरु हुकम भी मनदे हन। ओ परमात्मा नाल मिलता जांदे हन पर परमात्मा नाल अभेद नहीं हुंदे, ओ मिले भी हुंदे हन ते वखरापन भी उहनां दा बणिया रहिंदा है। जिवें मिट्टी दी टीम पाणी विच घुल भी गई है पर उसकी वखरी हस्ती चिक्कड़ दे रूप विच कायम भी है। अजिहे सिखां नूं परमात्मा नाल अभेद होण लई अपनी होंद ते कामना खत्म करन लई मुड़ जन्म धारण करके निष्काम भगती करनी पैंदी है। जिन्ना चिर उहनां दा आपा भाव वखरापन ते दुनिया नाल पूर्ण लगाव नहीं टुटदा, उहनां चिर उहनां नूं प्रभु स्वरूप विच अभेदता प्राप्त नहीं होंदी। तीसरे ओह हन जो केवल लोक विखावे लई वाहवा खट्टण लई बाणी भी पढ़दे हन ते लोक विखावे लई सेवा भी करदे हन पर गुरु बचना अनुसार अपना जीवन नहीं बनाउंदे अते ना ही ओह कामना रहित होंदे हन। अजिहे विखावे वाले सिख पत्थर वांग उपरों गिले दिखाई दिंदे हन पर अंदरों नाम बाणी दे रस तों अभिज कोरे हुंदे हन। ओह रहित राही लोक विखावा तां बहुत करदे हन पर करणी तों थोथे होण करके ओह अभिज पत्थर वर्गा जीवन बतीत करदे, आवागौण दा जीवन भोगदे हन। संसार अंदर गुरसिखी दी दात सब तों अमोलक है। जिस जग्यासू नूं सतगुरु जी गुरसिखी दी दात प्रदान कर दिंदे हन ओह सब तों उच्चे भागां वाला बन जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी अंदर श्री गुरु रामदास जी दा फरमान है, सब तों वड्डे भाग गुरसिखां के जो गुरचरणी सिख पड़ते आ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।